मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से कहा है कि वे किसी अफवाह पर ध्यान न दें। रवि की बोनी के लिए खाद की पर्याप्त उपलब्धता है, खाद की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, जहां बारिश से फसलें खराब हुई हैं, वहां फसलों का सर्वे हो रहा है और सर्वे होगा। क्षति के आकलन के आधार पर राहत की राशि दी जाएगी। फसल बीमा योजना का भी लाभ दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से कहा है, आप सभी अभी रबी की बोवनी की तैयारियों में लगे हुए हैं। रबी की बोवनी के लिए खाद की पर्याप्त उपलब्धता है, खाद की कोई कमी नहीं है। यूरिया, डीएपी, पोटास, एनपीके कॉम्प्लेक्स और एसएसपी, सभी तरह की खाद हमारे पास उपलब्ध है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें, जितनी जरूरत हो उतना खाद आप उठाना। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, आप सब अब रबी की बोनी की तैयारियों में लगे होंगे। रबी की बोनी के लिए खाद की पर्याप्त उपलब्धता है, खाद की कोई कमी नहीं है। यूरिया, डीएपी, पोटास, एनपीके कॉम्प्लेक्स और एसएसपी, सभी तरह का खाद हमारे पास उपलब्ध है और इसलिए अफवाह पर ध्यान मत देना। जितनी जरूरत हो उतना खाद आप उठाना। उन्होंने कहा, मैं खाद की आपूर्ति की निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा हूं। हम किसी भी हालात में आपको खाद की कमी नहीं आने देंगे। अगर कोई गड़बड़ करे, ज्यादा पैसे मैं खाद दे, तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपको दिक्कत हो या कहीं से कोई गड़बड़ की खबर आए तो आप 07552678403 इस पर जरूर सूचना दें। सूचना देते ही आपकी परेशानी भी हम दूर करेंगे। अगर किसी ने कोई गड़बड़ की तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मैं खाद की आपूर्ति की निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा हूं। हम खाद की कमी किसी भी हालत में आपको आने नहीं देंगे। अगर कोई गड़बड़ करे, ज्यादा पैसे में खाद दे, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक टेलीफोन नंबर आपको दे रहा हूं, आपको दिक्कत हो या कोई गड़बड़ कहीं से आए की खबर आए तो आप 07552678403 इस पर जरूर सूचना देना। सूचना देते ही आपकी परेशानी भी हम दूर करेंगे और अगर किसी ने कोई गड़बड़ की तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, असमय वृष्टि के कारण कई जगह खरीफ की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मैं किसान की तकलीफ और कष्ट जानता हूं। आने के पहले अगर फसल खराब होती है तो केवल फसल खराब नहीं होती, बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। इसलिए मैंने निर्देश दे दिया है, जहां फसल को नुकसान हुआ है वहां फसलों का सर्वे हो रहा है, सर्वे होगा और क्षति के आकलन के आधार पर राहत की राशि दी जाएगी और फसल बीमा योजना का भी लाभ दिलाया जाएगा। कई जगह खरीफ की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है, मैं किसान की तकलीफ और कष्ट जानता हूं। आने के पहले अगर फसल खराब होती है तो केवल फसल खराब नहीं होती, बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। किसान कितनी कठिनाई में पड़ते हैं ये मैं समझता हूं, इसलिए मैंने निर्देश दे दिए, जहां फसल को नुकसान हुआ है वहां फसलों का सर्वे हो रहा है, सर्वे होगा और क्षति के आकलन के आधार पर राहत की राशि भी दी जाएगी और फसल बीमा योजना का भी लाभ दिलाया जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।